अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और सच में बताऊँ तो यार, मैंने गैलेक्सी एम की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी अपने पिछले दो वीडियोस में। मतलब कि मैंने इतना ज़्यादा तारीफ़ कर दिया था कि लोग मुझे गालियों पे गालियाँ सुना रहे थे। कह रहे थे कि जो सैमसंग का गैलेक्सी एम सीरीज़ होने वाला है वो बिल्कुल ही किलर सीरीज़ होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झकास सीरीज़ होने वाला है, ऐसा कह रहे थे। और मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी कि उसकी जो मैंने कुछ सच्चाइयों के बारे में बताया था, और मैंने बताया था कि आखिर होने क्या वाला है। और उस वीडियोज़ में मैंने एक ही बात कहा था कि देखो भाई, सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि बाकी सभी सैमसंग डिवाइसेस से तो अच्छा होगा, लेकिन अभी जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं होने वाला है। और बिल्कुल सेम बात वही हुई है आज के भी लॉन्च इवेंट में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, और मैंने कभी ये नहीं कहा है कि जो सैमसंग का गैलेक्सी एम सीरीज़ है वो बिल्कुल ही फालतू होने वाला, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि जो सैमसंग का ट्रेंड चला आया है उससे थोड़ा सा बेहतरीन हो सकता है, लेकिन जो जो यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पर शाओमी, आसूस, रियलमी चल रहे हैं, उनके मुकाबले में ये ज़्यादा खरा उतरने वाला नहीं है। तो अगर ऐसी बातों को ध्यान में रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जी हाँ, मैंने दोस्तों बिल्कुल ही आप लोगों को सही बात कहा था। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज मैं सैमसंग गैलेक्सी एम का देख रहा था लॉन्च इवेंट, और लॉन्च इवेंट हो रहा था लगातार लगभग दोस्तों 6 बजे के आसपास। और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा बोरिंग मुझे लॉन्च इवेंट लगा, इतना ज़्यादा बोरिंग लगा कि यार मैं देखते देखते सो गया। और फिर मेरी जो आँख खुली वो रात के 9 बजे आँख खुली। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कि मैं अभी अभी सो करके उठाऊँ, तो मैंने देखा अरे यार ये क्या हो गया, मैं एक अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। अगर मैं 6 बजे वीडियो बनाया रहता तो अभी तक बहुत सारे व्यूज आ गए रहते। लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, जल्दी जल्दी मैं अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद जल्दी जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो बना करके डालता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ। तो जल्दी जल्दी मैंने न्यूज़ पढ़ा कि क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि मैं नींद आ गया था तो मैंने पूरा कुछ देखा नहीं था, बस एक फोन का देखा था और थोड़ा बहुत जो है दूसरे फोन का स्पेसिफिकेशन देखा था, तो पूरी तरह से मुझे याद नहीं था। तो मैंने ब्लॉग पर पढ़ा, तो मैंने देखा यार, मैंने ब्लॉग पर पढ़ा, कुछ यूट्यूब वीडियोज देखे, तो देखा कि यार तारीफ पे तारीफ तो सब जगह चल रहा। मतलब एक कहते हैं ना सन्नी देवल वाला डायलॉग, तारीफ पे तारीफ, तो यहां पे हो रहा है दोस्तों तारीफ पे तारीफ, हर जगह हो रहा है तारीफ पे तारीफ। असल में दोस्तों मैं कहूंगा कि ये तारीफ के लायक है, ये जो फोन है दोस्तों तारीफ के लायक है। लेकिन उसी कैटेगरी में अगर आप उसे सैमसंग के दूसरे फोन से मैच करते हैं, अगर आप इसे सैमसंग के दूसरे फोन से मैच नहीं करेंगे तो फिर ये दोस्तों किसी भी तरह का तारीफ के लायक नहीं है। जैसे कि अगर बात कर ले गैलेक्सी M10 के बारे में, तो गैलेक्सी M10 लॉन्च हुई है दोस्तों लगभग 8,000 रुपए में और 10,000 रुपए में, दो वेरियंट्स। तो जो गैलेक्सी M10 है उसमें एक्साइनोस का 7870 प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर की बात कर ले तो ये लगभग दोस्तों 3 साल पुराना प्रोसेसर है, जो कि 14 नैनोमीटर पे काम करता है। और इस प्रोसेसर में दोस्तों मुझे कुछ खास दिखता नहीं है। 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक की स्पीड है। अब ये जो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड है दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये अभी तक जितने भी फोन है इस कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज में, उससे बहुत ही कम है। और साथ ही साथ 3 साल पुराना होने की वजह से दोस्तों ये उतना ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए इसका एक्सपीरियंस जो है आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रोसेसर की खास बात यह है कि इसी प्रोसेसर से सैमसंग का एक और फोन है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J6। अगर आप J6 देखेंगे तो वो 10,000 रुपये के आसपास में आता है, और अगर आप उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम आता है। तो बस 2,000 रुपये उन्होंने कम कर दिया है, और J6 में थोड़ा बहुत बैटरी को इम्प्रूव कर दिया वगैरह वगैरह, और यहाँ पे आपको दे दिया है सैमसंग का गैलेक्सी M10। तो ज़्यादा कुछ मुझे फ़र्क नहीं दिखा, 3 साल पुराना प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे भी इस प्राइस रेंज में हम लोग ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो 7870 प्रोसेसर है वो लगभग दोस्तों स्नैपड्रैगन 625 से थोड़ा सा तो कम ही परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 625 से कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स जो है वो स्नैपड्रैगन 625 के बराबर नहीं होने वाला है, वो दोस्तों स्नैपड्रैगन 450 या 435 के बराबर जो है आप उसका कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि 8,000 रुपये में उन्होंने एक ठीक ठाक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, लेकिन दो चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी है। सबसे पहला तो उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर उन्होंने नहीं दिया है, तो उन्होंने Realme 1 जो आया था उसी की तरह कुछ काम किया है। Realme 1 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिवाइस था दोस्तों, और मैं कहूँगा कि Realme 1 अभी भी इस डिवाइस से ज़्यादा अच्छा है। उसमें भी दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, उसमें भी फेस अनलॉक एडवर्टाइज़ किया गया था, इसमें भी आपको जो है फेस अनलॉक एडवर्टाइज किया गया, और इसमें भी फेस अनलॉक ही है, और किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया गैलेक्सी M10 में। साथ ही साथ दोस्तों जो बैक है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक है, तो ये जो काफी ज्यादा अगली ट्रेडिशनल सैमसंग का लुक है, और ये लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप हाथों में होल्ड करेंगे तो वो भी आपको उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन फ्रंट काफी ज्यादा खूबसूरत है, ये मैं आप लोगों को मानता हूं। फ्रंट का जो क्वालिटी दिया गया, फ्रंट का जो डिस्प्ले दिया गया वो काफी अच्छा है। लेकिन अगेन दोस्तों 6.3 इंच का डिवाइस है और सिर्फ और सिर्फ HD+ का रेजोल्यूशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं मार खा जा रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों कमी हो जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम 8,000
रुपए में ये सब तो चीजें मिल रही है। एक और चीज दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3400 mAh की बैटरी है, जहां रियलमी दे रहा है दोस्तों 3700 mAh की बैटरी, 4000 mAh का बैटरी दोस्तों शाओमी दे रहा है, तो उसके सामने भी दोस्तों ये ज्यादा अच्छा जो है नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग बैटरी के डिपार्टमेंट में भी बात कर लें, कैमरा के डिपार्टमेंट में बात कर लेते, इसमें 5 MP का फ्रंट कैमरा है, जो कि अगेन एक बहुत ही डाउनग्रेड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर सैमसंग के अलावा दोस्तों शाओमी का बात कर ले, रियलमी का बात कर ले, आसूस का बात कर ले, तो वो सब दोस्तों लगभग 8, 12, 13 दोस्तों, या फिर कोई कोई तो 20 MP का भी कैमरा दे रहा है, लेकिन उस प्राइस कैटेगरी में कोई ना कोई दोस्तों 13 MP से कम फ्रंट कैमरा कोई नहीं दे रहा है। तो 13 MP होना चाहिए था फ्रंट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 MP है। कोई बात नहीं दोस्तों, उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसमें कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा कमियां मैं नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि एक यह डिजर्विंग डिवाइस है। 8000 रुपये में मैं कहूँगा कि गैलेक्सी M10 एक डिजर्विंग डिवाइस है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर बात कर ले गैलेक्सी M20 के बारे में, तो दोस्तों ये जो गैलेक्सी M20 है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डिवाइस है, जो कि अपने प्राइस कैटेगरी को काफ़ी अच्छा जस्टिफाई भी करता है। मतलब कि 10000-12000 रुपये में आपको ये जो है प्रोडक्ट मिल रहा है, 11000-13000 रुपये के आसपास में, और ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों साथ ही साथ कम्पीट कर Redmi Note 6 Pro से, साथ ही साथ कंपीट कर रहा है Asus का Zenfone Max Pro M2 से, साथ ही साथ कंपीट कर रहा है Realme के U1 से। और मैं बता दूं कि तीनों के सामने ये प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों। मान लीजिए 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, वो मैं कहता हूं बिल्कुल साइड में रख दो। 5000 mAh का बैटरी Samsung का एक्सपीरियंस UI पे कैसे होने वाला है, वो एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस UI भी काफी ज्यादा हेवी OS है। जैसे MIUI है दोस्तों, वैसे ही एक्सपीरियंस UI भी काफी ज्यादा हेवी OS है, और मैंने एक्सपीरियंस UI को ऑलरेडी चलाया हुआ है काफी सारे Samsung डिवाइसेस में, और मैंने देखा है में बैटरी का डाउनग्रेड भी बहुत ही जल्दी होता है। तो ऐसा कुछ हम लोग कह नहीं सकते 5000 mAh कैसा चलने वाला, लेकिन कम से कम ऑन द पेपर उन्होंने 5000 mAh दिया है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ बैटरी को साइड में रख दे, जो कि उसकी क्वालिटी में कहूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी है बैटरी को अगर साइड में रख दे दोस्तों, तो यहां पे जो प्रोसेसर है वो एक्साइनोस का 7904 है या 7409 है, मैं फिर से भूल गया, लेकिन जो भी है दोस्तों ऐसा नाम रखते हैं ना ये लोग कि मेरा दिमाग से निकल जाता है। तो ये जो सैमसंग का एक्साइनोस प्रोसेसर है दोस्तों, वो स्नैपड्रैगन 636 से आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मैंने देखा है कि वो लोग स्नैपड्रैगन 636 से कंपेयर करें। अरे भाई, जो स्नैपड्रैगन 636 है उसका काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, और मैं कहूँगा कि शाओमी ने जो स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर लाया, जो स्नैपड्रैगन की तरफ से है दोस्तों, वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप बात कर ले चाहे परफॉर्मेंस में, ग्राफिक्स में, या फिर बैटरी लाइफ में, ये तीनों ही को काफी अच्छा जो है कंबाइन करके बहुत ही बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही बैलेंस्ड बैटरी देता है, बहुत ही बैलेंस्ड ग्राफिक्स देता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा देता है। लेकिन जो एक्साइनोस 7904 है दोस्तों, उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन स्नैपड्रैगन 636 जैसा परफॉर्मेंस भी नहीं है उसमें। हाँ, एक्साइनोस का 7904 में आपको जो है 2 Cortex A73 के कोर मिल जाते हैं और 6 कोर मिल जाते हैं आपको जो है Cortex A53 के, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से काफी अच्छा आपको जो है बैटरी लाइफ भी मिलने वाला है, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल अगर आप इसे कंपेयर करेंगे किसी प्रोसेसर से, तो आप स्नैपड्रैगन 630 और 632 से कंपेयर कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। तो 636 से कंपेयरेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों आजकल जो उस प्राइस कैटेगरी में फोन्स आ रहे हैं वो अब 636 पे नहीं आ रहे हैं, 632 पे नहीं आ रहे, वो सारे के सारे फोन सब आ रहे हैं स्नैपड्रैगन 660 पे। जैसे कि दोस्तों रेडमी का नोट 7 प्रो आने वाला है, जो कि स्नैपड्रैगन 660 पे होगा, या फिर आसूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 तो आ ही चुका है, जो कि स्नैपड्रैगन 660 पे है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, इसका प्रोसेसर जो है ठीक ठाक प्रोसेसर है। मैं ऐसा मानता हूं कि जी हाँ, ठीक ठाक नहीं दोस्तों, अच्छा प्रोसेसर हम लोग कह सकते हैं, क्या उन्होंने एक अच्छा प्रोसेसर दिया है। लेकिन अगेन दोस्तों, कॉस्ट कटिंग के लिए क्या उन्होंने किया है, तो यहां पे जो है बैक में प्लास्टिक है, जो कि काफी ज्यादा अगली लगता है देखने में अगेन। और चलो यार, प्लास्टिक से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती तो वो मुझे ज्यादा पसंद आता। चलो कोई बात नहीं, पोको फोन भी तो प्लास्टिक पे है, तो भाई मैं कैसे कह सकता हूं कि एक का प्लास्टिक पसंद है दूसरे का प्लास्टिक नहीं पसंद है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। तो ये बात सही है दोस्तों, प्लास्टिक दिया कम से कम, चलो कम कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर क्या बात है ना कि इसमें जो फ्रंट कैमरा सिर्फ और सिर्फ 8 MP का है। यहां तक कि दोस्तों अगर आप Redmi Note 6 Pro देखेंगे तो उसमें ड्यूल फ्रंट कैमरा मिल जाता है, Asus Zenfone Max Pro M2 देखेंगे तो 20 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ कैमरा मिल जाता है। और अगर Realme का बात कर ले तो उसमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो यहां पे जो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कहीं भी ये बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर कंपटीशन की बात कर ले, बैक कैमरा की बात कर ले तो 13+5 MP का दोनों में है, और यहां पे वाइड एंगल शॉट्स को बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है दोनों ही फोन में। तो यहां पे वाइड एंगल के बारे में एक बात मैं आपको हार्ड ट्रूथ बताना चाहूंगा कि जो वाइड एंगल का कैमरा जो देते हैं ये लोग, वो सिर्फ और सिर्फ 5 MP का देते हैं। 5 MP का वाइड एंगल का कैमरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वाइड तो कर देंगे, लेकिन जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप डे लाइट में लेते हैं, और डे लाइट में दोस्तों वो भी अगर आप बहुत ही ज्यादा नजदीक कर लेते हैं, यानी कि ये जो 5 MP का कैमरा है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि बहुत ही अच्छा जबरदस्त शॉट्स ले पाए। 5 MP वो 5 MP के तरह ही रहने वाला है, और आप इससे कोई जबरदस्त वंडर नहीं करने वाले हो। हाँ, काफी ज्यादा वाइड आपको मिलने वाला है, अगर आपको 2-4 लोगों का फोटो लेना है, 10 लोगों का फोटो लेना है, वाइड शॉट लेना है, ठीक,
कि अच्छा है, लेकिन वो फोटो कितना ज्यादा देखने के लायक होगा ये दोस्तों एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज 5 मेगापिक्सल आपके लिए कोई जादू नहीं करने वाला है। तो वाइड एंगल को काफी ज्यादा जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई 5 मेगापिक्सल का हमारे पास वाइड एंगल में है, वो अलग बात है। उसके बाद 13 मेगापिक्सल का इसमें मिल जाता है दोस्तों बैक कैमरा जो कि F1.9 पे है, तो ये एक अच्छी बात है। अब कौन सा सेंसर उन्होंने दिया है इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो कैसा क्वालिटी होगा ये सब तो दोस्तों एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रैम के बारे में और प्राइसिंग के बारे में, तो 3 GB 4 GB का रैम ऑप्शन मिल जाता है, अच्छी बात है दोस्तों ये सब मिल जाता है। लेकिन कंपटीशन अगर आप देखोगे तो आजकल कंपटीशन में 4 GB 6 GB ये सब चल रहा है, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो इसमें 512 GB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो। तो मैं कहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ किया है सैमसंग ने। अगर सैमसंग ने कोई एक अच्छी चीज़ किया या कोई दो अच्छी चीज़ किया तो पहला बैटरी किया है और दूसरा डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट किया है। ये दोनों चीज़ें से सैमसंग का जो ये डिवाइस है मैं कमेंट कर सकता हूं आप लोगों को बाय करने के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए सब कुछ सैमसंग का प्रोसेसर सब कुछ प्रोसेसर ही नहीं होता दोस्तों, यहां पे डिस्प्ले की क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, बिल्ड क्वालिटी भी देखनी पड़ती है, कैमरा भी देखना पड़ता है, और सब कुछ का अगर हम लोग ओवरऑल लगाते हैं तो मैं कहूंगा कि जी हाँ ये जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है वो कहीं ना कहीं मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती है। M30 को तो उन्होंने लॉन्च नहीं किया, कब वो M30 को लॉन्च करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा जो मैंने रोस्ट किया था सैमसंग का 2-2 वीडियोज में वो बिल्कुल ही जस्टिफाइबल रोस्ट था, बिल्कुल ही सही था, क्योंकि जितना ज्यादा हाइप उड़ाया जा रहा था उस हाइप के मुकाबले में ये फोन कुछ भी नहीं है। ये फोन अच्छा है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बुरा है, ये फोन अच्छा है, लेकिन जितना ज्यादा हाइप उड़ाया जा रहा था दोस्तों इस फोन के बारे में उस फोन के मुकाबले में यह जो हाइप उड़ा था वो बहुत ज्यादा हाइप उड़ा था, और ये जो फोन है उतना ज्यादा हाइप को डिजर्व नहीं करता है। हालांकि अच्छा फोन है, आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लेकिन अगेन सैमसंग का हिस्ट्री रहा है दोस्तों, अगर आप कोई भी फोन को खरीदते हैं 2-3 महीने में वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और जब स्लो हो जाएगा तो फिर आप भी रोएंगे कि यार मैंने ये क्या ले लिया यार, क्यों फोन स्लो हो जाता है। और इसमें भी एक्सपीरियंस यूआई दिया गया, मैंने बहुत ज्यादा सोचा था कि शायद वो लोग देंगे कहीं वन यूआई, लेकिन इसमें वन यूआई नहीं मिलता है। बात रही एंड्रॉइड पाई अपडेट की, तो ऑलरेडी सैमसंग कह चुका है कि इनमें जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट है वो अगस्त के बाद मिलेगा, तो अगस्त के बाद अभी मिलेगा। अभी एंड्रॉइड ओरियो पे लोग रन करता है, एक्सपीरियंस यूआई 9.5 पे, तो देखो यार ये क्या चीजें होने वाली है और क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि सैमसंग ने सच में एक मास्टर स्ट्रोक को तो खेला है, मतलब कि सच में एक सही सही डिवाइस तो दिया है, बाकी ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अगर आपको अभी भी लेना है तो मैं इससे ज्यादा अच्छा मानता हूं रेडमी नोट 6 प्रो को, यार बवाल डिवाइस है। इससे ज्यादा अच्छा मानता हूं Asus ZenFone Max Pro M2 को, वो तो बेस्ट डिवाइस है, और इससे मैं थोड़ा सा अच्छा मानता हूं Realme U1 को, वो तो यार किलर डिवाइस है। तो ये जो 3 डिवाइसेस है ना, इसके सामने ये Samsung का एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी अगर आप एक Samsung का फैन हो तो आप इस डिवाइस के साथ जा सकते हो, और 12,000 रुपए में M20 लेना ज्यादा सेंस बनता है, M10 को अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो दोस्तों मैं शाहरुख और मैं आप लोगों का ओपिनियन देना था Samsung Galaxy M10 और M20 के बारे में। तो अगर आज की वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। और भाई रिव्यूअर्स चलो चलो भाई, पहला वीडियो आप लोगों ने बना लिया पेड वीडियो अलग बात है, दूसरी वीडियो से थोड़ी सी सच्चाई बता दे रहा यार। थैंक यू।